Now let me play out the tic-tac of Ravindra Raina, Kashmir Theatre, and Naib Saini, the Haryana Theatre. And then we are going to come back. बीजेपी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं, आज नतीजे हैं, आप मंदिर पहुंचे हैं, पूरी कैंपेनिंग लगातार आप देख रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के जो मित्र दल जो सहयोगी हैं उनकी शानदार जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगियों की मिलकर जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनेगी। बीजेपी कितना नंबर है? मुझे उम्मीद है कि बीजेपी 30 से 35 सीटें बीजेपी अपने दम पर जीतेगी और मित्र दल, सहयोगी दल और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिलाकर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करेगी। और हमारे दल कौन है सर? ये अपनी पार्टी है, गुलाम नबी आजाद की पार्टी? देखिए, थोड़े इंतजार के बाद आपको सब आपके सामने होगा। नौशेरा की सीट पर कितना आश्वस्त है? शानदार जीत होगी माँ भगवती की कृपा से। नौशेरा की सीट में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल नौशेरा में भी खिलेगा। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि जो नॉमिनेटेड 5 सीटें हैं, अगर अभी नॉमिनेट हुई तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया था तो श्री राहुल गांधी जी भी सांसद थे और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी सांसद थे, तब ये कहां सो रहे थे? तब उन्होंने डिबेट में हिस्सा क्यों नहीं लिया? और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है तो हंगामा खड़ा किया जा रहा है कि 5 नॉमिनेटेड MLA हैं। वो तो देश के पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया था, रीऑर्गेनाइजेशन बिल में था, उसकी डिबेट हुई थी, वो बिल पार्लियामेंट में पास हुआ है, तब जाके कानून की शक्ल उसने इख्तियार की है। आज याद आया है विपक्ष को? एक आखिरी सवाल, माना जा रहा है कि बीजेपी अगर जीतती है तो आप CM कैंडिडेट हैं। जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अधिक महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी और मित्र दलों की मिलकर सरकार बने, राष्ट्रवादी सरकार बने, देश हित में काम करने वाली सरकार बने, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आश्वस्त है कि कमल खिलेगा? यकीनन जम्मू कश्मीर में कमल का फूल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पे आप जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना को सुन सकते हैं और बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो बीजेपी की बनेगी और यहाँ पर कमल खिलेगा। हरियाणा के लिए आज बेहद खास अहम दिन है और इस वक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी ब्रह्म सरोवर के नज़दीक अर्जुन के रथ के ठीक सामने मौजूद हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे, आपके चेहरे के ये जो मुस्कुराहट है इसके क्या मायने हैं? नहीं, देखिए, हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में ईमानदारी से हरियाणा की सेवा की है, हमने राजनीति की, हमने सेवा की है। जो पिछले 10 वर्षों से हरियाणा प्रदेश क्षेत्रवाद के कारण ग्रसित था, जो लोगों के साथ भेदभाव होता था, गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता था, उसके साथ अन्याय होता था, किसान के साथ अन्याय करते थे ये लोग, ये महिलाओं के साथ अन्याय करते थे, युवाओं के साथ अन्याय करते थे और ये गरीब व्यक्ति को प्रताड़ित करते थे। हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर हर वर्ग को सम्मान देने का काम ईमानदारी से किया है, क्षेत्रवाद के ऊपर विराम लगाया है और बिना भेदभाव के हमने हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किया है। इस बात का मुझे गर्व भी है, मुझे गौरव भी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम हरियाणा को गति से आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम आने वाले समय के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से सेवा के रूप में करते हुए आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। एक सवाल जो लाजमी है इस वक्त कि जितने भी एग्जिट पोल हरियाणा चुनाव को लेकर अभी दिख रहे हैं उन सभी में कहीं ना कहीं कांग्रेस की वापसी होती हुई दिख रही है, बीजेपी उतनी आप मेजोरिटी से बहुत पीछे दिख रहे हैं, बावजूद इसको आपको लग रहा है कि कुछ कैसे आपके अंदर इतना आत्मविश्वास है? कैसे देखिए, एग्जिट पोल पीछे भी आए हैं, राजस्थान के अंदर भी आए हैं, क्योंकि मैं वहाँ राजस्थान के अंदर चुनाव में था, मध्य प्रदेश के अंदर भी आए हैं एग्जिट पोल, छत्तीसगढ़ में भी आए हैं, उत्तराखंड में भी आए हैं, परंतु उनके उलट रिजल्ट आए हैं और ये रिजल्ट हरियाणा के अंदर अभी आपके सामने 8 बजे के बाद आने शुरू हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर सेवा के रूप में आ रही है, सेवा के रूप में, एक एक व्यक्ति की ईमानदारी से सेवा करना हमने 10 वर्षों में गति से किया है और गति से, तीव्र गति से करेंगे। हम मजबूती से लगे, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है,
हम स्वार्थवश कोई सत्ता के अंदर नहीं आते, कांग्रेस सत्ता के लिए आती है, हम सेवा के लिए आते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान कल आया, वो कह रहे हैं ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ, इस बयान के क्या मायने, आप क्या सोचते हैं इस बयान पर? देखिए अभी एक 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 कहावत है, सूतना कपात लठम लट्ठा हो रहे, बंटना पहला शुरू हो गया, ये भी सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही। नौकरियों में इससे बंट गए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर के लड़ाई चल गई, आपस में चल रही है इनकी, और अभी तो आगे माल की भी लड़ाई होगी, ये भी लग गए ना करण, भी इतना माल मेरे पास जाएगा, इतना इसके पास जाएगा, इतना इस पर जाएगा। इनको सत्ता करते हैं ये लोग, इनको किसी के विकास से या सुविधा से मतलब नहीं है। हिमाचल का देख लो, क्या लोग क्या झूठ बोल करके आए थे, वहाँ कर्मचारियों को पेंशन तक नहीं मिल रही। कर्नाटक के अंदर वहाँ के इनके उप मुख्यमंत्री बोलते हैं हमारे पास विकास के लिए पैसा नहीं है, और वहाँ पर लॉलीपॉप दिखा दिया, इतना भारी लोगों को सजबाग दिखा दिए, सत्ता में आ गए, सत्ता में आकर के लूटने का काम ये करते हैं। लेकिन एक सवाल है कि कांग्रेस के तरफ से जो है जलेबी के लड्डू के ऑर्डर दिए जा चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है कि आपको भी जलेबी भेजने की तैयारी है। हम तो गोहाना की जलेबी खाते हैं, उनको तो कोई लेकर के दे करके जाता है, कोई लेकर के, मैं तो सुबह दुकान पे जा करके खा करके आया हूँ, उनको तो गाड़ी में दिया है किसी ने खरीद करके, वो अपने आप नहीं खा सकते, अपने आप कहाँ खाएंगे, और फिर हैरान हो गए कितनी बड़ी जलेबी बनती है। हमारा का यहाँ सांस्कृतिक कल्चर हमारी, कहाँ की बर्फी कौन सी फेमस है, कौन सी फिरनी फेमस है, कौन सा घेवर फेमस है, उनको थोड़ी पता है इसके बारे में, हमारी कौन सी जलेबी फेमस है, कितने प्रकार की जलेबी है ये भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, और तो किसी ने डब्बा दे दिया और अपना राज्य हो गया। लेकिन सर एक सवाल ये है कि उठ रहे हैं कि क्या अगर सब कुछ ठीक था तो फिर सीएम फेस बदलने की क्या जरूरत पड़ी कुछ में चुनाव से ठीक पहले, इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए ये पार्टी का इंटरनल मामला होता है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने गजब के काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं, लंबे समय तक हरियाणा को इसका लाभ मिलने वाला है, और मैं आपको बड़े उससे कह रहा हूँ कि आगे भी हम मजबूती से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। मनोहर लाल जी केंद्र के अंदर काम कर रहे हैं, केंद्र के अंदर जो उनका एक कैलिबर, जो उनके पास योजना, जो उनके पास एक रोड मैप है, उसका लाभ पूरे देश के अंदर मिलेगा।